हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल आई मैम एंटर रॉक होप यू ऑल डूइंग वेल एंड वी आर कंटिन्यूइंग आवर चैप्टर दैट विल बी स्केलर्स एंड वेक्टर तो स्केलर और वेक्टर ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जैसे डायमेंशन किया था तो बहुत कुछ नया जाना था ठीक है तो आज जो स्केलर और वैक्टर हम शुरुआत करने वाले हैं वो भी क्या है एक बहुत बेसिक्स है ठीक है थोड़ा बहुत हम स्केलर और वैक्टर के बारे में जानते हैं नाइन्थ क्लास के अंदर भी हम देखते हैं टेंथ क्लास के अंदर भी देखते हैं ठीक है बहुत सारी क्वान्टिटीज़ होती है जिनको हम स्केलर बोलते हैं वैक्टर्स बोलते हैं ठीक है तो ध्यान हो कि हमने डिस्टेंस को क्या बोला था स्केलर बोला था नाइन्थ क्लास के अंदर डिस्प्लेसमेंट को क्या बोला था वेक्टर बोला था स्पीड को क्या बोला था स्केलर बोला था वेलोसिटी को क्या बोला था वेक्टर ठीक है तो ये हम बोलते हैं बेसिकली क्या बोला गया था उस टाइम तुम्हारे को कि एक के साथ मैग्नीट्यूड ओनली होता है वो क्या होता है स्केलर जो चीज़ें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे दोनों पे डिपेंड करती है उसको हम क्या बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी स्टोरी समझो इसकी क्या है फिज़िक्स में ना बहुत सारी क्वांटिटी है ठीक है क्या है बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी ये तुम जान चुके हो कौन से चैप्टर में डायमेंशन के अंदर ठीक है जो हमने चार्ट किया था इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी क्या निकाल रहे थे हम डायमेंशन निकाल रहे थे ठीक है तो हंड्रेड तो के अप्रोक्स क्या थी डायमेंशन हमने निकाल ली होंगी तो इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ये तो कुछ भी नहीं है बहुत सारी थाउजेंड में चली जाएंगी तो इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ना तो इनको ना दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ है क्यों क्योंकि कुछ क्वांटिटी हैं जो डायरेक्शन के साथ ही मीनिंगफुल है और कुछ चीज़ें हैं जो डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं लाइक अगर आप किसी शॉप पे गए हो ठीक है वहाँ पर आपने डिमांड करी भैया फाइव के शुगर दे दो ठीक है ईस्ट डायरेक्शन में कौन सी डायरेक्शन में ईस्ट डायरेक्शन में सही है एक आपके साथ ये केस है आपने एक ब्लॉक पढ़ा टेबल के ऊपर आपने इसके ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स लगाया है बताओ ये लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा ठीक है तो आपके सामने दो चीज़ें हैं एक शॉप के पास बंदा जा रहा है शॉपकीपर के पास और बोल रहा है कि भैया फाइव के शुगर दे दो कौन सी डायरेक्शन में ईस्ट डायरेक्शन पे तो क्या ईस्ट डायरेक्शन का बोलना कोई ज़रूरी है ठीक है आप नहीं भी बोलोगे तो भी कितना मिलेगा फाइव के जी शुगर ही मिलेगा अगर बोलोगे तो शायद पागल समझ के तुम्हें कुछ भी ना दे समझ रहे हो ना बात को तो फाइव के जी शुगर अपने आप में एक कंप्लीट चीज़ है समझ आ रहा है कि भैया पाँच किलो चीनी चाहिए ठीक है इस डायरेक्शन की कोई सेंस नहीं बनती ठीक है यहां मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे पचास न्यूटन का फोर्स लगाया बताओ लेफ्ट जाएगा या राइट right जाएगा अरे भैया ये तो बताओ फोर्स किधर से लगा रहे हो इधर से लगा रहे हो तो राइट right जाएगा इधर से लगा रहे हो तो कहाँ जाएगा लेफ्ट जाएगा तो बात की सेंस कब बन रही है जब मैं क्या बता रहा हूँ 50 न्यूटन की डायरेक्शन बता रहा हूँ क्या बता रहा हूँ 50 न्यूटन का डायरेक्शन बता रहा हूँ कोई आपसे पूछ रहा है कि भैया दिल्ली किधर है ठीक है आप बोलोगे भैया 300 किलोमीटर चला जा दिल्ली आ जाएगा ऐसे आ जाएगा दिल्ली क्या उधर पा पंजाब चला गया पाकिस्तान चला गया तो ठीक है तो आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी भैया इस डायरेक्शन में जाओगे 300 किलोमीटर तब जाके क्या आएगा दिल्ली आएगा ठीक है तो इन बातों से मैं क्या समझ आ रहा है कि कुछ क्वांटिटीज के साथ डायरेक्शन बतानी बहुत जरूरी है अदरवाइज उनको डिफाइन किया नहीं जा सकता जैसे ये फोर्स मैं फोर्स को बिना डायरेक्शन के कतई डिफाइन नहीं कर सकता ठीक है लाइक मास मास को मैं क्या कर पा रहा हूँ इजिली डिफाइन कर पा रहा हूँ किसके बिना डायरेक्शन के ठीक है तो ये चीजें समझनी है हमें किसकी फॉर्म में स्केलर और वेक्टर की फॉर्म में तो क्या किया कि कुछ क्वांटिटीज को हमने किस में डिवाइड कर दिया स्केलर में जिनको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं वो तो किस में आ गई स्केलर्स में और जिनको डायरेक्शन की जरूरत थी वो किस में आ गए वैक्टर्स में ऐसा क्यों किया क्योंकि वैक्टर्स को थोड़ा सा हैंडल करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है किसके कंपेयर में स्केलर के कंपेयर में ठीक है तो इसी प्रोसेस को जानना है कि स्केलर के साथ डील कैसे करना है और वेक्टर के साथ डील कैसे करना है ठीक है तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की तो पहली बात ठीक है स्केलर क्वांटिटी होती क्या है कौन सी क्वांटिटी स्केलर तो स्केलर में एक चीज जान जाओ डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती सिर्फ क्या रिक्वायरमेंट है मैग्नीट्यूड क्या रिक्वायर है मैग्नीट्यूड की जरूरत है अब मैग्नीट्यूड क्या चीज़ है सपोज आप बोल रहे हो कि पचास किलो ठीक है तो ये पचास किलो क्या है मैथमेटिक वैली टर्म में ठीक है जिसके अंदर ये मैथ वैल्यू हो गई है क्या हो गया यूनिट तो ये इन दोनों को मिला के ये क्या है मैग्नीट्यूड सिर्फ मैग्नीट्यूड सही है तो इसको हम क्या बोलेंगे मैग्नीट्यूड अ फिजिकल क्वांटिटी डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाई इट्स मैग्नीट्यूड ठीक है, 50 किलो से ही समझ आ गया कि ये क्या है, के जी शुगर है वो जो भी है ठीक है तो 50 के जी इनफ है समझाने के लिए तो बाय इट्स मैग्नीट्यूड इन ओनली डज नॉट रिक्वायर डायरेक्शन ठीक है नोन एज स्केलर क्वांटिटी सही है इसके एग्जाम्पल देखो डिस्टेंस दो सिटी के बीच का डिस्टेंस 500 किलोमीटर है तो है कोई डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है मास किसी चीज का मास 5 के है तो है ठीक है डायरेक्शन बोलने की जरूरत नहीं है टाइम दो घंटे हुआ है टू आवर्स तो उसके अंदर डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है स्पीड किसी गाड़ी की स्पीड फोर्टी मीटर पर सेकेंड है तो है ठीक है किसी चीज़ का वॉल्यूम फाइव मीटर क्यूब है तो है तो लाइक like दैट ये सब क्वांटिटीज़ क्या हमें डिफाइन कर रही हैं स्केलर जिनको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी ठीक है आपको डेफिनेशन नोट करनी है एग्जांपल नोट करना है वीडियो को यहीं पॉज करके आप दोनों डेफिनेशन बेसिकली डेफिनेशन और एग्जांपल को अभी नोट डाउन कर लेना ठीक है ध्यान से स्केलर क्वांटिटी और उसके एग्जाम्पल ठीक है नेक्स्ट मूव करते हैं हम किसके ऊपर वैक्टर क्वान्टिटी के ऊपर वैक्टर क्वांटिटी साफ साफ समझ आ रहा है मैग्नीट्यूड तो हो लाइक मैंने क्या बोला था फोर्स है ना एग्जाम्पल लिया था अभी दो मिनट पहले फोर्स फिफ्टी न्यूटन साथ में क्या चाहिए डायरेक्शन ठीक है तभी बात कंप्लीट समझ आएगी तो ये फिफ्टी न्यूटन क्या है अपने आप में मैग्नीट्यूड है ना मैग्नीट्यूड प्लस में क्या है डायरेक्शन तो फोर्स दो चीजों से मिलकर बना है यानी वेक्टर दो चीजों से मिलकर बना है कौन कौन मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन जब तक आप दोनों चीजों को डिफाइन नहीं करोगे आप वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन कर ही नहीं सकते ठीक है तो वेक्टर में दो चीजें हैं कौन कौन सी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मैथ वाली वैल्यू प्लस में क्या डायरेक्शन क्या बताना पड़ेगा आपको डायरेक्शन और स्केलर में सिर्फ क्या बताना आपको दैट विल बी क्या सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कहां पर स्केलर के अंदर और वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड चाहिए साथ में क्या चाहिए आपको डायरेक्शन ठीक है इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एट ए पर्टिकुलर डायरेक्शन है ना मैग्नीट्यूड आ गया और साथ में क्या चाहिए एट ए पर्टिकुलर डायरेक्शन डायरेक्शन भी चाहिए एक्सप्रेस किया जाए मतलब आप किसी को वेक्टर क्वांटिटी समझा रहे हो तो आपको दो चीजें समझानी पड़ेंगी क्या क्या एक तो मैग्निट्यूड और दूसरा क्या समझाना पड़ेगा हमें डायरेक्शन ठीक है इसके एग्जाम्पल डिसप्लेसमेंट विलॉसी एक्सेलरेशन फोर्स एक्सेट्रा ठीक है फोर्स का एग्जाम्पल मैं अभी समझाया आपको कि इसी ब्लॉक को अगर मुझे हिलाना है और मुझे बताना है कि ये कहाँ जाएगा तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं फोर्स किस तरफ से लगा रहा हूँ ठीक है अगर फिफ्टी न्यूटन फोर्स इधर से लगा रहा हूँ तो ब्लॉक की मूवमेंट इस तरफ अगर फोर्स इधर से लगाऊंगा तो मूवमेंट इस तरफ ठीक है तो इस चीज़ को समझाने के लिए क्या रिक्वायर्ड है डायरेक्शन समझाना बहुत ज़रूरी है ठीक है तो इसलिए इस क्वांटिटी इस को हम क्या बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी ठीक है नेक्स्ट वेक्टर क्वांटिटी मस्ट ओबे रूल ऑफ वेक्टर एल्जेब्रा बात ये है कि ना स्केलर होते हैं ना जो उनसे स्केलर जैसे मास हो गया डिस्टेंस हो गया ठीक है आपका वॉल्यूम हो गया ये सब ना मैथ के ला को फॉलो करते हैं बेसिकली मैथ क्या कहता है कि दो प्लस दो चार तो स्केलर भी इसी चीज़ को फॉलो करता है कोई टेंशन नहीं है ठीक है दो माइनस दो इज़ इक्वल टू ज़ीरो कोई टेंशन नहीं लेकिन वेक्टर के साथ दिक्कत है वेक्टर सिंपल मैथमेटिक्स एल्जेबरा को यूज़ करता ही नहीं है तो वेक्टर के अपने रूल है एडिशन के मल्टीपिकेशन के डिवाइड के सब्ट्रैक्शन के वेक्टर के अपने ही रूल्स हैं उन रूल्स के हिसाब से हम क्या करते हैं दो वेक्टर्स को एडिशन करते हैं मतलब मैं कोई दो वेक्टर जोड़ रहा हूँ सपोज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ठीक है तो उसका सम ये नहीं है कि ए प्लस बी अगर दो है तो दो प्लस दो चार हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता ठीक है तो वेक्टर को भी समझने की क्या चीज़ है वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं क्या क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और वेक्टर सिंपल मैथमेटिक्स रूल को फॉलो नहीं करता इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के अपने ही रूल्स हैं किसके वैक्टर क्वान्टिटी और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी एग्जांपल आप याद कर सकते हो कौन कौन सा फोर्स डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन एक्सेट्रा ठीक है नाइस nice. उसके बाद आती है वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन मतलब हम मास को तो सीधा सीधा दिखा दिया फिफ्टी के अब ध्यान से देखो कि वैक्टर को रिप्रेजेंट करने का ना अपना एक पैटर्न है सही है ओके okay. नाइस nice. सबसे पहले वेक्टर को मै जमें, जोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होती है एक एरो से जैसे ये लिखा हुआ है एरो ठीक है इस एरो के पीछे वाले पार्ट को बोलते हैं हम टेल क्या बोलते हैं टेल और एरो वाले पार्ट को बोलते हैं हेड सही है टेल हेड और ये एरो की जितनी भी चौड़ाई होगी ना वो उसके मैग्नीट्यूड को बताएगा क्या बताएगा उसके मैग्नीट्यूड को मतलब इसका अगर बोल रहा हूँ कि फिफ्टी है ठीक है तो ये चौड़ाई क्या डिफाइन कर रही है फिफ्टी सही है तो इसका आधा क्या हो जाएगा अगर मैं इसका आधा बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा फिफ्टी का आधा ट्वेंटी फाइव अगर मैं इसका डबल बनाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा हंड्रेड सही है ध्यान से तो इसकी चौड़ाई जो भी है ठीक है ये क्या डिफाइन करती है मैग्नेट्यूड ये क्या डिफाइन करती है टेल और ये क्या करता है हेड और जिस तरफ ये जा रहा है वो क्या दिखाएगा डायरेक्शन क्या दिखाएगा डायरेक्शन तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं एरो का एरो का पीछे वाला पार्ट को टेल बोलेंगे आगे वाले पार्ट को हेड बोलेंगे और एरो की जितनी भी चौड़ाई होगी वो क्या डिफाइन करेगी मैग्नीट्यूड मतलब एरो बड़ी तो मैग्नीट्यूड ज्यादा एरो छोटी तो मैग्नीट्यूड कम ठीक है इतनी सी बात उसके बाद जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि मास ठीक है मास कौन सी क्वांटिटी है स्केलर आप मास को एम लिख के छोड़ देते हो सही है नेक्स्ट फोर्स कौन सी क्वांटिटी हम पढ़ चुके हैं वेक्टर, ठीक है तो फोर्स और इसके अंदर डिफाइन करने के लिए फर्क यह है हम फोर्स के ऊपर एक एरो लगाएंगे क्या लगाएंगे एरो एफ के ऊपर क्या लगा दिया एक एरो तो अब यह क्या आप शो करता है कि फोर्स सिर्फ स्केलर नहीं है क्या है वेक्टर है क्या है वेक्टर, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है एरो लगा हुआ है ठीक है तो ये एरो वाली चीजें जितनी भी होंगी वो क्या डिफाइन करेंगी कि वो क्वांटिटी कौन सी है वेक्टर क्वांटिटी है जो किस पे डिपेंड करती है डायरेक्शन पे डिपेंड करती है किस पे डिपेंड करती है डायरेक्शन पे तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं ठीक है ध्यान से तो ये क्या हुआ फोर्स ठीक है और फोर्स को वेक्टर दिखाने के लिए हम क्या लगाते हैं उसके ऊपर एरो जैसे यहां पर एक वेक्टर लिया हुआ है ठीक है ए वेक्टर ए वेक्टर के ऊपर क्या लगा हुआ है ये एरो ठीक है तो ये क्या डिफाइन कर रहा है ए क्या है वेक्टर है ए क्या है वेक्टर ठीक है ध्यान से ओके. अब वेक्टर के अंदर कितनी चीजें हैं बताओ दो चीजें हैं क्या क्या मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन ठीक है मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन सही है तो ध्यान से अब मैग्नीट्यूड सिर्फ कैसे लिखना है अगर मैं बोल रहा हूं मेरे पास एक वेक्टर है ए ठीक है उसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना है तो उसके ऊपर एरो लगा दो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसके ऊपर क्या लगा दो साइड में दो मोड लगा दो ठीक है ये क्या है मैग्नीट्यूड की फॉर्म है किसकी फॉर्म है मैग्नीट्यूड की फॉर्म साथ में क्या लगा दिए दो मोड़ नहीं मोड लगाने तो आप लिख दो तो ए का मतलब क्या है जस्ट एक मैग्नीट्यूड और ए के ऊपर एरो आ गया तो ए वैक्टर ठीक है ध्यान से ए वैक्टर ये क्या है ए को किसकी फॉर्म में लिखा वैक्टर की फॉर्म में जस्ट सिंपल लिख रहे हो तो किसकी फॉर्म में लिखा आपने मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ठीक है

ठीक है अब ये डायरेक्शन को डिफाइन नहीं करता ये माइनस है प्लस है कुछ फर्क नहीं पड़ता वैल्यू बाद में क्या लोगे आप प्लस ही लोगे ठीक है तो मोड लगाने से उसका वेक्टर वाला क्या पार्ट क्या हो रहा है नील हो रहा है और वो कि सिर्फ किसको बताएगा मैग्नीट्यूड को ठीक है आपको ये ताम जाम नहीं लगाना तो आप सिर्फ क्या लिख सकते हो इस बात को ए लिख सकते हो ठीक है थीके? तो अगर ए के ऊपर एरो का निशान है तो क्या है वैक्टर ए ठीक है अगर ए अकेला लिखा हुआ है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या बोलोगे इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए नाइस इसको नोट करो फिर हम चलते हैं आगे अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ फैक्टर क्या टॉपिक है टाइप्स ऑफ फैक्टर बहुत सारे वैक्टर हैं और हर वैक्टर को समझना बहुत जरूरी है और ये क्योंकि ये अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं अगर हम नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है ठीक है जनाब तो पहला जो वैक्टर है ना वो कौन सा है पैरल वैक्टर कौन सा नाम से समझ आ रहा है कि दो वैक्टर पैरल वैक्टर कब कहलाएंगे सही है अब बताओ वैक्टर पैरल मतलब पैरल कब होती हैं जो चीज़ें जब दोनों की डायरेक्शन क्या हो सेम हो ठीक है तभी क्या कहलाएंगी पैरल अगर डायरेक्शन सेम नहीं है एक कहाँ जा रहा है ईस्ट में एक कहाँ जा रहा है नॉर्थ में तो क्या हो जाएंगे पैरल तो कभी होंगे ही नहीं वो समझ रहे हो ना बात को ठीक है तो यहीं से डेफिनेशन बना लेते हैं इसकी सामने दिख रहा है आपको अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये वैक्टर ए है ये क्या है वैक्टर बी ठीक है दोनों कभी अभी टकराई नहीं रही एक दोनों से और दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम है तो ये कौन से वैक्टर है पैरल वैक्टर दो वैक्टर एक्टर नहीं आएगा वैक्टर विच हैव सेम डायरेक्शन ठीक है सेम डायरेक्शन आर कोल्ड पैरल वैक्टर सही है सर डायरेक्शन की तो बात कर दी मैग्नीट्यूड की बात क्यों नहीं कर रहे अब ध्यान से देखो ये एरो छोटी है ये एरो बड़ी है तो वे एक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है कम वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा ठीक है मैग्नीट्यूड का कोई लेना देना नहीं है पैरल के लिए क्या सेम होनी चाहिए डायरेक्शन सेम होनी चाहिए अगर डायरेक्शन सेम है तो वैक्टर क्या कहलाएंगे हमारे पैरल वैक्टर क्या कहलाएंगे पैरल वैक्टर ठीक है अब ध्यान से एंगल बिटवीन द टू पैरल वैक्टर इज ऑलवेज जीरो डिग्री बिल्कुल ठीक है अगर ये 60 पे जा रहा है उसको भी कितने पे जाना पड़ेगा 60 पे ये 80 पे जा रहा है तो उसको भी किस पे जाना पड़ेगा 80 पे अगर ये 90 पे जा रहा है तो दूसरा भी किस पे जाएगा 90 पे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है दोनों का मैग्नीट्यूड अलग भी हो सकता है कुछ फर्क नहीं पड़ रहा लेकिन पैरल होने के लिए क्या सेम होनी चाहिए डायरेक्शन और दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए जीरो तो आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि पैरल वैक्टर के बीच में एंगल डिफरेंस कितना होता है आप क्या आंसर दोगे जीरो डिग्री ठीक है ट इज द थिंग और क्या पैरल वैक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए कोई जरूरी नहीं है पैरल वैक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड सेम होने की रिक्वायरमेंट कतई नहीं है नेक्स्ट इक्वल वैक्टर कौन सा वैक्टर इक्वल वैक्टर अब वैक्टर कितनी चीजों से बना हुआ है मैं बहुत बारी बोल चुका हूं इस चीज को अब तक वैक्टर दो चीजों से बना हुआ है किस किस से मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन अगर आपको दो वैक्टर को इक्वल करना है क्या करना है आपको दो वैक्टर को इक्वल करना है तो दोनों बातें क्या होनी चाहिए इक्वल होना चाहिए मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए ठीक है अगर दो वेक्टर हैं दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल है तभी वो दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे इक्वल वेक्टर कहलाएंगे अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक वेक्टर है वो 50 डिग्री 50 न्यूटन ईस्ट है ठीक है अगला वेक्टर बोल दूं 50 न्यूटन वेस्ट है या फिर ऐसे ना बोलकर ये बोल दूं 20 न्यूटन क्या बोल सकता हूं ईस्ट फोर्टी न्यूटन ईस्ट ठीक है इन दोनों बातों में क्या है फिफ्टी न्यूटन फिफ्टी न्यूटन यहां पे ईस्ट है यहां पे क्या है वेस्ट है ठीक है मैग्नीट्यूड तो सेम है प्लस डायरेक्शन क्या है अलग है यहां पर क्या है मैग्नीट्यूड अलग है डायरेक्शन सेम है तो ये दोनों सिचुएशन इक्वल नहीं है इक्वल होने के लिए दोनों का सेम होना जरूरी है अगर मैं बोल रहा हूं कि थर्टी न्यूटन ईस्ट थर्टी न्यूटन ईस्ट ठीक है अब क्या है दोनों इक्वल है तब जाकर क्या होंगे दो वेक्टर इक्वल कहलाएंगे अगर दोनों के मैग्नीट्यूड और दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम उन दो वेक्टर को हम क्या बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स ठीक है ध्यान से वेक्टर विच हैज इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर कोल्ड इक्वल वेक्टर डायग्राम में हमें दिख रहा है कि दो वैक्टर हैं जिसमें क्या है पहला वैक्टर ए ये क्या बता रहा है इसका मैग्नीट्यूड इतनी ही चौड़ाई उसकी होनी चाहिए ठीक है तो दोनों की चौड़ाई क्या है सेम तो इसका मतलब क्या है दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल ठीक है और दोनों कहां जा रहे हैं सेम डायरेक्शन तो अब जाकर मैं बोल सकता हूं कि दोनों वैक्टर क्या है इक्वल वैक्टर्स ठीक है तो यहां से आपको एक और पार्ट क्लियर हुआ टाइप ऑफ वैक्टर कौन सा नाम है इसका इक्वल वैक्टर्स ठीक है इसको नोट करो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं अगला वेक्टर है एंटी पैरेलल वेक्टर नाम से क्लियर हो रहा है कौन सा वेक्टर एंटी पैरल ठीक है पैरल तो है लेकिन एंटी सही है एक इस तरफ जा रहा है तो एक इस तरफ एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे एक साउथ जा रहा है तो दूसरा नॉर्थ एक ईस्ट जा रहा है तो दूसरा वेस्ट ठीक है तो ध्यान से देखो जैसे पैरल में डायरेक्शन क्या थी सेम थी एंटी पैरल में डायरेक्शन क्या होंगी अपोजिट होंगी ठीक है क्या होंगी अपोजिट एक बात तो ये क्लियर है ठीक है मैग्नीट्यूड का कोई लेना देना है ही नहीं मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है कुछ फर्क नहीं पड़ता दो वैक्टर विच हैव अपोजिट डायरेक्शन आर कोल्ड एंटी पैरल वैक्टर तो ये दोनों अगर वैक्टर के नाम रखूँ तो वैक्टर ए वैक्टर बी सही है तो दोनों क्या है एंटी पैरल है क्यों क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हैं अपोजिट ठीक है एंटी पैरल के बीच में एंगल कितना होगा 180 एटी डिग्री ध्यान से देखो हम करते हैं ना अगर ये दोनों के बीच में एंगल कितना है ज़ीरो ठीक है अब दो के बीच में एंगल कितना है 90 सही है अब दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 एक कहां जा रहा है ईस्ट में तो दूसरा कहां जा रहा है वेस्ट में तो सेम सिचुएशन यह है एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है तो दोनों के बीच में एंगल कितना है वन डिग्री ठीक है तो पैरल के बीच में एंगल कितना जीरो डिग्री एंटी पैरल के बीच में एंगल कितना वन डिग्री तो ये कौन से वैक्टर कहलाएंगे एंटी पैरल वेक्टर्स ठीक है और जिनके बीच में एंगल कितना है 180 एटी डिग्री ठीक है तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे बच्चा? एंटी वेक्टर. का वेक्टर. Nice. Okay. भी एंटी पैरलर है ठीक है तो ये हाँ एंटी पैरल है मना नहीं कर रहा मैं कि एंटी पैरल नहीं है लेकिन ध्यान से देखो यहां पर इन दोनों का ना मैग्नीट्यूड भी सेम है जितनी चौड़ाई एक ही है ना उतनी चौड़ाई किसकी है बी की सही है तो ये क्या है इनको क्या बोलेंगे अपोजिट वेक्टर क्या बोलेंगे अपोजिट या फिर नेगेटिव वेक्टर देखो डेफिनेशन विच इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन जब क्या था वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम था डायरेक्शन भी सेम थी तब हमने वेक्टर को क्या बोला था इक्वल वेक्टर क्या बोला था इक्वल वेक्टर सही है यहाँ पर ऐसा नहीं है यहाँ पे क्या है दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है अपोजिट है सही है तो इसलिए इसका नाम क्या है अपोजिट वेक्टर। सही है तो साथ में क्या आ जाएगा एक नेगेटिव का साइन आ जाएगा अगर एक ईस्ट है तो दूसरा क्या है वेस्ट है एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो दूसरा क्या है नेगेटिव एक्सिस है एक पॉजिटिव वाई है तो दूसरा क्या है नेगेटिव वाई है दैट इज द थिंग इसलिए हम क्या लगा रहे हैं एक नेगेटिव साइन इसलिए इसका नाम क्या रख देते हैं हम नेगेटिव वैक्टर ठीक है ये नेक्स्ट टाइप हो गया किसका आपका टाइप ऑफ वैक्टर जिसका नाम क्या है अपोजिट वैक्टर क्या नाम है इसका अपोजिट वैक्टर जस्ट राइट अप सही है इसको लिखो आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि हम सारा ताम झाम पढ़ क्यों हो रहे हैं इसका पर्पस क्या है और इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे यूज होने वाली हैं, ठीक है नेक्स्ट को इनिशियल वेक्टर को ठीक है इनिशियल वेक्टर एक साथ इनिशियल शुरुआत होने वाले वेक्टर ध्यान से देखो वेक्टर कितने बना हुआ है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर अब बोलो पहले तो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि मैं इनको ना वेक्टर क्यों बोल रहा हूँ ठीक है मुझे कैसे पता लगे ये वेक्टर है यार क्योंकि इनके ऊपर क्या लगा हुआ है एरो लगा हुआ है ठीक है तो एरो से क्या डिफाइन हो गया कि ये क्वांटिटी कौन सी है वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी सही है वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी अब इनकी ना शुरुआत आपको मैंने एक चीज़ बताई थी ये क्या होता है टेल ये क्या होता है हेड इन सब की ना टेल एक ही जगह से शुरू हो रही है हो रही है नहीं हो रही ठीक है तो इसलिए ये कहाँ से शुरुआत हो रही है इनकी एक ही पॉइंट से हो रही है ठीक है अगर इसमें पॉइंट का नाम सपोज ओ दे देता हूँ तो ये कहाँ से इनिशिएट हो रहे हैं ओ से इसलिए क्या बोलते हैं इनको को इनिशियल वैक्टर को इनिशियल वैक्टर दोज वैक्टर विच हैज सेम इनिशियल पॉइंट है ना या सेम इनिशियल भी चलेगा गिवन फिगर के अंदर आप बोल सकते हो कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी एंड वेक्टर डी आर को इनिशियल वेक्टर्स ठीक है आप ये डैश डैश की लाइन कंप्लीट कर सकते हो आराम से ठीक है सपोज ठीक है तो अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास यहाँ पे वेक्टर ई e भी है क्या है वेक्टर ई e? लेकिन इसकी शुरुआत यहाँ पे नहीं हो रही तो ये ए बी सी डी तो को इनिशियल है लेकिन ई e को इनिशियल भी नहीं है ठीक है तो ध्यान से सबकी शुरुआत अगर इसी पॉइंट से हो रही है तो वो क्या कहलाएंगे को इनिशियल वेक्टर ठीक है तो ये भी क्या हो गया टाइप्स ऑफ वेक्टर जिसको हम क्या बोलते हैं को इनिशियल वैक्टर्स ठीक है vectors, जल्दी से इसको नोट डाउन करो फिर हम आगे मूव करते हैं सो so, ओके okay, ये क्लियर हो गया हो हमारा कौन सा वैक्टर को इनिशियल वेक्टर vector, जिनकी शुरुआत एक ही पॉइंट से उनको क्या बोलते हैं हम को इनिशियल वैक्टर ओके गाइस नेक्स्ट पार्ट कौन सा है हमारा को लीनियर को लीनियर एक ही लाइन पे आने वाले वैक्टर ठीक है द वैक्टर लाइन इन द सेम लाइन आर नोन एज कोलिनियर वैक्टर एंगल बिटवीन द कोलिनियर वैक्टर इज जीरो और इधर कितना 180 एट्टी डिग्री ध्यान से देखो अगर यह बोल रहा हूं कि ये वैक्टर ए है ये क्या है वैक्टर बी ठीक है दोनों एक ही लाइन के ऊपर आए हुए हैं तो इसलिए क्या है ये कोलिनियर ठीक है ध्यान से एक वैक्टर के ऊपर एक वैक्टर चढ़ा दूँ तो ये भी क्या है कोलिनियर मार्क्स उसके बाद ये क्या है वैक्टर बी ए इसको सी बोल देता हूँ ये क्या हो गया वैक्टर डी ठीक है वेक्टर सी और डी के बीच में क्या है वन एट्टी डिग्री का एंगल है और क्या है दोनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं है ना इसी लाइन के ऊपर क्या कर रहे हैं दोनों लाई कर रहे हैं इसलिए कौन से हैं, कौन से वैक्टर हैं ये कोलिनियर वैक्टर ठीक है सेम लाइन मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है लेकिन डायरेक्शन क्या होगी या तो सेम होगी या फिर क्या होगी अपोजिट होगी ठीक है अगर सेम या अपोजिट नहीं होगी कुछ हटके हुई तो लाइन से बाहर हो जाएगा तो कोलिनियर तो कहलाएगा ही नहीं ना ठीक है तो आप बोल सकते हो इसको क्या को लीनियर वैक्टर्स ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं हम यूनिट वैक्टर क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कौन सा यूनिट वेक्टर ध्यान से समझना है इस चीज को जितना मैं लिखूंगा यूनिट वेक्टर के बारे में और जो भी नोटेशन दूंगा आप अभी नोट कर लेना साथ साथ ठीक है किसकी यूनिट वेक्टर्स की यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन से समझाता हूं है क्या अ वेक्टर ठीक है एक ही बार ही आएगा वैक्टर तो अ अवैक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड कौन सा यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वैक्टर एक वैक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो क्या हो वन यूनिट हो ठीक है उसको क्या बोलते हैं हम यूनिट वैक्टर ठीक है तो ध्यान से समझो कि मेरे पास सपोज एक वैक्टर है यार मैं उसका नाम लेता हूं फोर्स क्या है फोर्स फोर्स तो force मैं बोल रहा फोर्टी न्यूटन फाइव न्यूटन लिख दिया तो लाइव न्यूटन मान लेते हैं ईस्ट क्या बोल देते हैं ईस्ट सही है अब मुझे ये बता दो कि इसमें मैग्नीट्यूड कौन है और डायरेक्शन कौन है इतना तो अब तुम समझ गए हो यार ठीक है फाइव न्यूटन क्या है मैग्नीट्यूड और ईस्ट क्या है डायरेक्शन ठीक है तो यूनिट वेक्टर बनाने के लिए यूनिट वेक्टर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे इसके मैग्नीट्यूड को वन बनाना है इसके मैग्नीट्यूड को क्या बनाना है वन तो वन बनाने के लिए क्या करूं वन बनाने के लिए क्या, क्या किया जाए एफ को एफ के मैग्नीट्यूड से क्या कर दूं डिवाइड कर दूं एफ को एफ के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं समझो बात को एफ को एफ के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं अब यह बताओ एफ का मैग्नीट्यूड है कितना कितना है पांच तो कितने से डिवाइड करूं इसको पांच को ठीक है पांच न्यूटन ईस्ट सही है डिवाइड किससे कर दिया पांच न्यूटन से ठीक है तो पांच न्यूटन से पांच न्यूटन तो कट क्या बन गया वन साथ में क्या आ गया ईस्ट ठीक है तो क्या समझे मैग्नीट्यूड कितना हो गया वन सिर्फ अकेलोते क्या रह गया डायरेक्शन और ये क्या बन गया इस पूरे को क्या बोलूंगा यूनिट वैक्टर क्या बोलेंगे हम इसको यूनिट वैक्टर ध्यान से दोबारा बता रहा हूं वैक्टर को जब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यूनिट मैग्नीट्यूड और साथ में क्या मिलेगी डायरेक्शन तो उसको हम क्या बोलेंगे यूनिट वेक्टर तो यूनिट वेक्टर क्या है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड इट्स मैग्नीट वैक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना ही क्या कहलाता है यूनिट वैक्टर मैं दोबारा बोल रहा हूं वैक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना क्या कहलाता है यूनिट वैक्टर ध्यान से तो यूनिट वेक्टर को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं ए ठीक है अब की बार एरो नहीं यूज करेंगे कैप बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको ए कैप अगर उसके ऊपर कैप लगी हो तो समझ जाओ ये क्या डिफाइन कर रहा है यूनिट वेक्टर मैं लिख सकता हूं इसका नाम यूनिट वेक्टर ए ठीक है ये क्या है ए का यूनिट वैक्टर है वैक्टर ए का यूनिट वैक्टर है वैक्टर ए का यूनिट वैक्टर है ठीक है और यूनिट वैक्टर को डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा वैक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है वैक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, सही है ये बार सा लग गया तो क्या मतलब है मैग्नीट्यूड ठीक है और यूनिट वेक्टर डिफाइन डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर ठीक है ध्यान से यूनिट वेक्टर क्या डिफाइन करता है डायरेक्शन डिफाइन करता है किसकी उस वेक्टर की क्लियर ध्यान से वैक्ट यूनिट वेक्टर क्या होता है वैक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर क्या डिफाइन करता है डायरेक्शन को डिफाइन करता है क्या डिफाइन करता है डायरेक्शन को दोबारा सुनो अगर मैं बोल रहा हूं कि फोर्स फाइव न्यूटन ईस्ट सही है तो ये कौन सी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी ये क्या है मैग्नीट्यूड ये क्या है डायरेक्शन ठीक है अब फोर्स को किससे डिवाइड करना है मुझे मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कितना है फाइव न्यूटन क्या रहेगा सिर्फ डायरेक्शन इसलिए क्या बोलता हूं मैं यूनिट वेक्टर किसको डिफाइन कर रहा है सिर्फ डायरेक्शन क्योंकि बचा ही क्या लास्ट में सिर्फ डायरेक्शन इसलिए क्या बोलते हैं यूनिट वेक्टर किसको डिफाइन कर रहा है सिर्फ डायरेक्शन को ठीक है ध्यान से दोबारा सुनो यूनिट वेक्टर क्या होता है वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड तो वेक्टर क्या था पांच न्यूटन ईस्ट इन दोनों को मिला के क्या बना वेक्टर अब पांच न्यूटन क्या है मैग्नीट्यूड तो यूनिट वेक्टर चाहिए तो वैक्टर किससे डिवाइड कर दिया उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो इसका मैग्नीट्यूड कितना था पांच न्यूटन तो कितने से डिवाइड किया फाइव न्यूटन से ही डिवाइड किया पांच न्यूटन से पांच न्यूटन कट लिया बचा तो क्या क्या ईस्ट तो यूनिट वेक्टर ने डिफाइन किया सिर्फ डायरेक्शन को लिखने का तरीका क्या है वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड बोलो मेरे साथ वेक्टर को जब उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो क्या कहलाएगा यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर क्या डिफाइन करता है डायरेक्शन उस वेक्टर की ठीक है तो ध्यान से नेक्स्ट है एडिशन ऑफ वैक्टर क्या है एडिशन ऑफ वैक्टर अब वैक्टर क्या है भैया मैं पहले बता चुका हूँ मैथमेटिक के सिंपल ला को तो फॉलो करते नहीं इनके अपने ही कायदे कानून हैं ये उनको फॉलो करते हैं ठीक है ठीके? तो जिसके अंदर कुछ नाम ऐसे हैं क्या ट्राइंगल ला ऑफ फैक्टर एडिशन और दूसरा है पैरलेलोग्राम लॉ ऑफ एडिशन तीसरा है लॉ ऑफ एडिशन हम तीनों हमारे सिलेबस में हैं हम इनको करेंगे लेकिन कब करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे ठीक है अब तक का आपके लिए काम क्या है मुझे स्केलर वेक्टर ठीक है डेफिनेशन एग्जांपल एंड टाइप्स ऑफ क्या वेक्टर्स ये सब मुझे चाहिए क्या आपके नोट्स के अंदर वीडियो को पॉज कर करके आप सिंपली अपने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करो उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या मिलने वाला है एडिशन ऑफ टू वैक्टर क्वाइट इंपॉर्टेंट और जितने भी न्यूमेरिकल बनेंगे आपके एडिशन पे ठीक है सब्ट्रैक्शन पे मल्टीप्लिकेशन पे और डिवाइड ऑफ वेक्टर्स पे बनेंगे ठीक है इस चैप्टर के अंदर तो और दूसरी बात एक काम पते की बता सकता हूँ कि एडिशन ऑफ टू वैक्टर के अंदर ना एक मेन काम क्या है कि दो अलग अलग वैक्टर ऐड नहीं हो सकते मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं आप स्पीड और फोर्स को ऐड नहीं कर सकते मैं बोलूँ कि भैया पाँच न्यूटन फोर्स को फाइव मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी में ऐड कर दो ऐसा हो ही नहीं सकता ठीक है तो जो भी रूल है ना वो क्या होंगे सेम क्वांटिटी के बीच में लुकआउट होंगे मतलब पाँच न्यूटन ठीक है दस न्यूटन के साथ जुड़ सकता है पंद्रह होगा ये पता नहीं है होगा नहीं होगा ठीक है ये हमेशा फिफ्टीन नहीं रहेगा ये भी बता रहा हूँ कभी पाँच होगा कभी दस होगा कभी सात होगा कभी छः होगा ठीक है यही तो जादू है किसका वैक्टर्स का दस और पाँच पंद्रह हमेशा नहीं होता किसके अंदर वेक्टर्स के अंदर क्योंकि वेक्टर्स के क्या हैं अपने रूल है मेन पते की बात क्या बोल रहा हूँ कि एडिशन क्या होगा टू सेम फिजिकल क्वांटिटी के बीच में होगा अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के बीच में नहीं होगा ठीक है तो अब तक के लिए क्या काम समझ आया हमें क्या करना है हमें सभी स्लाइड्स का जो भी मैंने डाटा दिया क्या करना है उसका नोट डाउन करना है हमें क्या करना है टाइप्स ऑफ वैक्टर को अच्छे से विद डायग्राम डिनोट करना है यूनिट वैक्टर को बहुत अच्छे से समझना है दो बारी सुनो इस वीडियो को अच्छे से थ्रू करो एंड उसके बाद हम क्या करने वाले हैं तीन लाख करेंगे ट्राइंगल ला पेलेग्राम ला और पोलिगलना ठीक है इसके बाद एडिशन आ जाएगा एडिशन के जैसा ही क्या होता है सब्ट्रैक्शन फिर एक बार मल्टीप्लिकेशन सीखना मल्टीप्लिकेशन हो गया तो ये चैप्टर हो गया ठीक है इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर लेकिन ये चैप्टर आपको आगे के लिए बहुत ज़रूरी है जिसको वैक्टर्स के साथ डील करना नहीं आता ठीक है तो फिज़िक्स के साथ उसको कुछ भी करना नहीं आता ठीक है ये फिजिक्स की ए बी सी डी है इसको जानना जरूरी है ठीक है अगर ए फोर डायमेंशंस था For vectors, तो बीफोर वैक्टर्स है ठीक है तो ध्यान से इसको समझो बहुत अच्छे से डिटेल में समझना है और समझने का तरीका यही है कि बारी बारी सुनते जाओ प्रैक्टिस करते जाओ जितना बोला जा रहा है उसका काम करते जाओ ठीक है और जाने से पहले वीडियो को लाइक करना है सब्सक्राइब करना है चैनल को और शेयर का बटन दबाना है ठीक है दैट इज़ द थिंग थैंक यू